पिछले साल दशहरे वाले दिन अमृतसर में हुए रेल हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हादसे में 59 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में मारे गए कई मृतकों के परिजनों को मुआवजा तो दिया गया, लेकिन कई परिवार ऐसे भी हैं जो अभी तक की वंचित हैं। पंजाब सरकार ने अब तक ना तो अपने वादे पूरे किए और ना तो 59 परिवारों में से कई परिवारों को मुआवजा दिया। अपने पिता की तस्वीर हाथों में लिए इस युवक का नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार के पिता बलदेव राज आज से 1 साल पहले अमृतसर में हुए दशहरे वाले दिन रेल हादसे में घायल हो गए थे। कुछ समय इलाज के बाद उनका देहांत हो गया था। उनका नाम मृतकों में शामिल करने के लिए बलदेव राज के बेटे ने बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक अपने पिता का नाम रेल हादसे में मारे गए मृतकों में दर्ज नहीं करवा पाया। या यूं कहें, ना तो इस परिवार को घायलों को मिलने वाला हर्जाना मिला और ना ही मृतकों को मिलने वाला हर्जाना। रेल हादसे दे विच मेरे पापा का एक्सीडेंट होया सी, उन्हां दा चूल्हा टुट गया सी, ठीक है जी। तो असी फिर गुरु नानक होस्पिटल गए सी, साढ़े 22 नंबर वार्ड के जसविंदर सिंह लाडो पहलवान जी वो नाल गए। उन्होंने भज नस करके इलाज करवाया, इलाज करवाया, पर इलाज किसी भी लिस्ट में नहीं बोलिया, कितने ना नहीं चढ़ाया गया, कितने कुछ नहीं। तो इलाज भी खाना पूरी करने वास्ते होया जी, ठीक है जी। 16 दिन इनकुआरी चलती रही। दसो छोटे जी, एक इनकुआरी वास्ते 16 दिन लग गए, तो मरीज च इन्नी कमजोरी आ गई कि कोई बेहादी, तो वो मौत तो आपे होनी होनी है, मौत होगी जी। फिर 23 फरवरी उन्हों की डैथ होगी घर आ गए। उस वे क्यों नहीं बोले? उस वेले सर इलाज तुम पता जो बाजार बंद रहे, तो असी क्या चलो डैडी कहते मलाम लू के सही हो जाएंगे, माड़ा मोटा सट आ। तो जो एक्सरा करवाया हरगुण होस्पिटल के, चूल्हा टुटा निकलाया, तो असी लेट हो गए सी 8 दिन। पर अज सानू साल हो गया उत्थे चक्कर मार दें प्रशासन के, एक पैसे की सुनवाई नहीं की। वही मृतक बलदेव राज की पत्नी को भी सरकारी मदद का इंतजार है। रेल दुर्घटना दौरान मेरे पति की मौत हो गई। उस तो बाद असी हस्पताल गए। हस्पताल भी उन्होंने 17-18 दिन हस्पताल दाखिल रखिया, दवाई दारू कोई नहीं दिता उन्होंने। उन्होंने कहा इंक्वायरी होएगी तो फिर इलाज चालू होएगा। इलाज इंक्वायरी हुई 17-18 दिन मुगमपुरे के थाने वाले, उधर रेल हादसे वाले भी पुलिस वाले आए, सारे ने की, पर साड़ी कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्नी 23 फरवरी हुई डैथ। 7-8 मंग कि मैं गरीब नहीं हैगी, मैं अपने भैन भरावों को फल लाया। हैरानी की बात तो ये है कि जिस हादसे के होने के बाद पूरे देशवासियों की आंखें भीग गई थीं और केंद्र और राज्य सरकार ने मदद का आश्वासन दिया था, उसी हादसे में मारे गए कई लोगों के परिजनों को अब तक कोई सरकारी मदद नहीं मिली है। न्यूज़ डेस्क।